नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैरी जीके पर। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर के फुल फॉर्म, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। और ये जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? CDMA का फुल फॉर्म बताना है तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DVD का तो सबको पता होगा, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है SMPS का फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। जो मॉडम होता है, मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? डबल डाटा रेट। DDR का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गीगो का फुल फॉर्म होता है गैरबेज इन गैरबेज आउट। ओके, गैरबेज इन गैरबेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ASCII सन क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे गलती से लिखा गया है ठाकुर सन। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, AMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूले। ओके, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सबको पता होगा, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, WW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। AVI का फुल फॉर्म ऑडियो वीडियो इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS जो होता है उसका फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके,
क्वेश्चन नंबर 38, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एआरक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। एआरक्यू का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एटीए का फुल फॉर्म एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बेसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पोज स्वयंबोल इंट्रक्शन कोड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआर का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। सीयूआई का फुल फॉर्म करेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डीवीआर का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईवीआर का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएससी का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एमएससी का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाइट्स पर सेकेंड। बीपीएस का फुल फॉर्म बाइट्स पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। जो एफएम होता है उसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक अच्छा सा नोट्स बनाकर आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सी ए एम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सी ए एम का फुल फॉर्म
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डबल ओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डबल ओपी का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ई रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? मेट्रोपोलिसन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फ्रेंड, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। और मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।